दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मंजन शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आपकी दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये है फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी के इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द चला जाता है। आपके दांतों में अगर बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, कैविटीज़ हो गई हैं, उससे आपको आराम मिलता है। दांतों से खून निकल रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका ग्लैम पेटर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। जब आप छोटे थे तब आपने ज़रूर देखा होगा अपने दादाजी को, अपने नाना जी को या अपने पापा को, भैया को, जब वो घर पे शेव करते होंगे ना, उसके बाद वो कुछ लगाते होंगे यहाँ पर, सफ़ेद कलर का पत्थर ज़रूर देखा होगा। मैंने अपने घर पे तो नहीं देखा क्योंकि मैं सरदार फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स के घर में उनके पापा को, उनके दादा को, मतलब बहुत लोगों को देखा है कि वो शेविंग के बाद ना कुछ पत्थर की तरह इस तरह से रगड़ते थे। और मुझे लगता था ना वो नमक का ढेला है, नमक का ढेला लगा करके शायद उनकी स्किन अच्छी होती होगी, वो वही लगाते हैं। वो नमक का ढेला नहीं, फिटकरी होती थी। अगर शेविंग के बाद फिटकरी का इस्तेमाल किया जाए तो छोटे छोटे जो माइक्रो कट्स हो जाते हैं उनमें बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो फिटकरी को अगर आप अपनी त्वचा पे लगाएंगे तो ये आपकी त्वचा की खूबसूरती बढ़ाएगा, और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है उनके लिए जिन्हें पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ऑयली स्किन के लिए फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो फिटकरी को पीस करके उसका पाउडर बना लीजिए, उसे थोड़ा सा पानी मिला करके एक घोल की तरह तैयार कर लीजिए, एक पेस्ट की तरह बना लीजिए, और जहाँ जहाँ पिंपल्स हो रहे हैं ना वहाँ वहाँ लगा करके छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। फिर ठंडे पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपके पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, और दूसरा पिंपल्स की वजह से जो दाग त्वचा पर रह जाते हैं उससे भी आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। फिटकरी को ओरल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके दांतों में सड़न है, गम्स की प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आती है, दांत बहुत ज़्यादा पीले होने लगे हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले पड़ते हैं, जुबान में अक्सर छाले पड़ जाते हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम से भी फिटकरी आपको छुटकारा दिलाएगी। फिटकरी है तो बहुत सस्ती सी चीज़, बहुत मामूली सी चीज़ लगती है देखने में, लेकिन ये बहुत कीमती है। मतलब इसमें जितने गुण है ना वो बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा गुणी, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज से भरपूर है फिटकरी। फिटकरी को आप डिओड्रेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन आपके शरीर से होने वाली दुर्गंध को ये पूरी तरह से दूर कर देती है। मार्केट में मिलने वाले डिओड्रेंट आपकी त्वचा से बदबू को मिटा देते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल अगर आप करते हो, भले ही वो आपको खुशबू ना दे, लेकिन आपके बॉडी ऑडर को, शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को पूरी तरह से दूर करेगी, जड़ से इसका इलाज करेगी। आप फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे हल्का सा गीला कर लीजिए और अपने अंडर आर्म्स में इसे लगा लीजिए, दोनों साइड लगा लीजिए। इससे शरीर से निकलने वाली दुर्गंध तो दूर होगी ही, आपके अंडर आर्म्स में जो कालापन जम जाता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे दो फायदे आपको मिल रहे हैं और पैसे की जो बचत हो रही है वो अलग। तो फिटकरी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इसे अपने घर में जरूर रखिए। सस्ता सा पत्थर है, देखने में मार्बल के टुकड़े की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है। मतलब पैसे से नहीं कह रही हूँ, वैल्यू से कह रही हूँ, बहुत वैल्यूएबल है। त्वचा पे फिटकरी का इस्तेमाल आप फेस पैक की तरह कर सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? फिटकरी का पाउडर बना करके रख लीजिए, इसे शहद के साथ थोड़ा सा मिलाइए। फिटकरी के पाउडर को शहद के साथ मिला करके अपनी त्वचा पर लगा लीजिए, 10 से 15 मिनट छोड़ करके ठंडे पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए। धीरे धीरे आपकी त्वचा निखरने लगेगी, त्वचा पे होने वाले दाग धब्बे पूरी तरह से गायब होने लगेंगे, रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। ये एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शन से आपकी त्वचा को बचाती है, आपकी त्वचा से जो खून बहुत तेज़ी से बह रहा है उसे रोकती है, आपकी स्किन को स्टेरिलाइज करती है और आपके जख्म को बहुत जल्दी भर देती है। ओरल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मंजन शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आपकी दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये है फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी के इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द चला जाता है। आपके दांतों में अगर बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, कैविटीज़ हो गई हैं, उससे आपको आराम मिलता है। दांतों से खून निकल रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। आपको लेनी है ये फिटकरी। ये इस तरह से आता है, स्टोन की तरह। इसका आपको पाउडर बना लेना है।
फिर इसे आप छान लीजिएगा बारीक छान करके। एक चम्मच ये फिटकरी का पाउडर लीजिए, एक चम्मच सेंधा नमक लीजिए और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तैयार हो गया है ये मंजन, जो आपके दांतों से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम का समाधान है। इस मंजन को थोड़ा सा लेना है, अपनी उंगली को गीली करना है और उसमें इस मंजन को लगा लेना है और अपने दांतों में हल्के हल्के मसाज करना है। चाहे आप ब्रश करने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके दांतों से पीलापन चला जाएगा, आपके दांत इतने सफ़ेद इतने चमकदार हो जाएंगे ना, और बहुत फ्रेशनेस फील होगी। मुँह के अंदर होने वाले बैक्टीरिया जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। और अगर आप ये मंजन बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फिटकरी को गुनगुने पानी में घोलिए और इसके साथ गार्गल कीजिए। इससे भी काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, मन में सवाल आ सकता है कि फिटकरी का इस्तेमाल कौन कौन कर सकते हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। वैसे तो फिटकरी का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, लेकिन ऑयली स्किन पे ये बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि फिटकरी से त्वचा पे थोड़ा सा रूखापन आ जाता है, स्किन को ड्राई कर देती है। तो इसीलिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। ऑयली स्किन वालों को एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और त्वचा पे पिंपल्स के निशान रह जाते हैं। जिन्हें पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अपनी त्वचा पर फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो भी फिटकरी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी स्किन ऑयली है, वो रोज़ ही फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। फिटकरी का इस्तेमाल अगर आप अपनी त्वचा पे कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये आपकी आंखों में ना जाए। इस्तेमाल से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। थोड़ी सी फिटकरी लेकर कहीं भी अपने कान के पीछे या कहीं भी थोड़ा सा लगा करके 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर किसी तरह की इरिटेशन नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके इस्तेमाल से नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो पहले पहले तो वाटर प्योरीफायर वगैरह नहीं होते थे, ये फ़िल्टर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मेरी मम्मी बड़े से टैंक में ऊपर कपड़ा लगा करके पानी भरती थी, मतलब छान करके पानी उसमें भराता था। वो एकदम जब ऊपर आ जाता था, पानी बिल्कुल भर जाता था, कपड़े को टच कर रहा होता था, तो उसी कपड़े के ऊपर मम्मी थोड़ी सी ना यही फिटकरी का एक टुकड़ा उस पर रख देती थी। और बाद में जब हम वो कपड़ा हटाते थे ना, और पानी जब देखते थे, इतना साफ पानी होता था। गंदगी जो होती है ना, पूरी नीचे जम चुकी होती थी, मतलब नीचे बैठ जाती थी, और पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह साफ हो जाता था। तब मुझे नहीं पता था ये क्या है, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई और मुझे फिटकरी के इतने सारे गुणों के बारे में पता चला, तो मैं मम्मी से पूछने लगी कि मम्मी वो क्या था जब हम छोटे थे तो आप ऐसे पानी में डाल देती थी। तो मम्मी बताती है कि वो फिटकरी थी। तो समझ में आया कि फिटकरी का इस्तेमाल बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी अपनी मम्मी से सीखा था और उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा था। तो फिटकरी बहुत पुराने समय से इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आज के टाइम में फिटकरी बिल्कुल गायब सी हो गई है। तो फिटकरी को अपने घर में ज़रूर रखिए, अपने किचन में रखिए, अपने बाथरूम में रखिए। कई बार चूड़ी पहनते वक्त हाथों में कट लग जाता है, फटाक से फिटकरी को गीला कीजिए और लगा लीजिए। शेविंग करते वक्त जो हल्के फुल्के माइक्रो कट्स आ जाते हैं, जो दिखते भी नहीं है, लेकिन ब्लड निकल आता है, तो फिटकरी को थोड़ा सा लगा लीजिए घिस करके, हल्का सा गीला करके, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। फिटकरी का इस्तेमाल त्वचा पे कर सकते हैं। फिटकरी को ओरल हेल्थ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मुंह से होने वाली हर एक प्रॉब्लम से आपको आराम मिलेगा। तो फिटकरी इतनी ज़्यादा फायदेमंद अगर है, बिल्कुल कम पैसे में मिल जाती है और आराम से आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगी। देखने में ये बिल्कुल मिश्री की तरह लगती है, बहुत कम पैसे में आ जाती है। तो आप थोड़ी सी फिटकरी भी अगर लेकर रखेंगे ना, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो आप भी फिटकरी को अपने घर में ज़रूर रखिए किसी भी इमरजेंसी में। जल्दी से तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, कई बार इतनी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं। तो फिटकरी को अगर आप अपने घर पर रखते हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम से तो आप तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो, तो पता है ना क्या करना है। जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी फिटकरी के गुणों के बारे में पता चल सके। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।